सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा आरंभ करते हैं। हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी का धनुर्भंग। आगे का दोहा देखिए। लखन लखेऊ रघुवंश मनि थाके उर कन कन को दंडु, पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांडु। इसका अर्थ देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि जब लक्ष्मण जी ने देखा रघुकुल मणि, श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो उनका शरीर अत्यधिक पुलकित हो उठा और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों में दबाकर वो इस प्रकार बोले। आगे देखिए। दिज कंजरहु कमट अहिल अहिकोला, धरहुँ धरन धरि धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा, चाप समीप राम अब जब आए, नर न रहे सुर सुकृत मनाए, सब कर संसा और अज्ञानो, मंद महेपन कर अभिमानो, भृगपति केर गर्भ अरुआए, सुर मुनि बरहना करि कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ी बहुत पाए, चढ़े जाए सब संगु बनाए, राम बहुबल विधु अपारो, चाहत परु नहीं कोई कढ़ारो। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बाराह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए। श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष के समीप आए, तब सभी उपस्थित स्त्री पुरुष ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया, अर्थात उनका स्मरण किया। सभी का संदेह और अज्ञान मामूली देवताओं और अपने पुण्यों को मामूली अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय कातरता, सीता जी का विचार, जनक का पश्चाताप और समस्त रानियों के दारुण दुख का दवानल, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। आगे देखिए। राम बिलोकहि लोग सब, चित्र लिखे से देख, चीतहि सिय कृपयतान, जान बिकल बसे। अर्थ देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा, ये सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए के समान अर्थात मूर्तिवत दिखाई पड़े। इसके पश्चात कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उनको इन सबसे अधिक अर्थात विशेष रूप से व्याकुल अनुभव किया। अगला देखिए। देखि विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही, त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुय करै का सुधा तड़ाका, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने, अस जी जान जानकी देखी, प्रभु पुलके लख प्रीति बसेही, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघा उठाए धनु लीना, दमकेउ दामिनी जिम जब लाऊ, पुनि नब धनु मंडल सम भाऊ, लेत चढ़ावत खैचत घाड़ी, काहु न लखा देख सब उठाणे, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा, उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी ना मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे, तो उसके चले जाने पर अमृत का तड़ाक भी क्या करेगा, सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय के बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ, आशय यह है कि समय के व्यतीत होने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अपने हृदय में ऐसे विचार करके श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और
उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर वे हर्ष से विभल होते। मन ही मन उन्होंने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यधिक स्फूर्ति के साथ धनुष को उठा लिया। जैसे ही धनुष को अपने हाथ में उठाया, वह उनके हाथ में बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाते चढ़ाते और जोर से खींचते नहीं देखा। अर्थात ये तीनों के काम इतनी शीघ्रता से ये हुए कि इसका किसी को पता ही नहीं चला। सभी ने श्री रामचंद्र जी को मात खड़े देखा। उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ डाला। धनुष के टूटने के इतनी भयंकर हुई कि तीनों लोक में व्याप्त हो गई। छंद देखिए, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तज मारुग चले, चिक्करही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल बिचारहि कोदंड खंडेहु राम तुलसी जयति वचन उचारहि। ये आपका धनुष भंग खत्म हो गया। इसका अर्थ देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द त्रैलोक में व्याप्त हो गया, जिससे सूर्य के घोड़े अपना नियत मार्ग छोड़कर चलने लगे। आठों दिशाओं में स्थित आठ दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले आठ हाथी चिघाड़ने लगे। संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग बारह और कछुआ भी बेचैनी हो उठे। देवता राक्षसगण मुनि जन कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। अंततः जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया, श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ दिया, तब उनकी जय जयकार करने लगे।